छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर चल रही सियासत के बीच रायपुर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर भ्रम पैदा करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय पूल में चावल खरीदी को लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर केवल राजनीति कर रही है। केंद्र ने राज्य के साथ कोई भी दबाव नहीं किया है। केंद्र की नीति सभी राज्यों के लिए एक समान है। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी वादा के अनुसार 2400 क्विंटल में धान 85 लाख मैट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा है। दूसरे राज्य से किसान से अधिक मूल्य धान खरीदी करने पर केंद्र ने एक्स्ट्रा धान खरीदने से मना कर दिया है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। धान खरीदी का काम जो है ये 15 नवंबर से चालू हो जाना चाहिए। लोगों का वो जो है वहाँ पे धान रखने की जगह नहीं है। अगर अभी भी पानी गिर चुका है, फिर अगर आता है तो उसका नुकसान बहुत होगा, तो इसको 15 नवंबर करना चाहिए। अरे भाई, केंद्र जो है वो पूरे सभी राज्यों के एक समानता रहेगी उसके अंदर में। केंद्र कहीं पक्षपात नहीं कर रहा है।